हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे और अच्छा होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है बहुत ख़तरनाक होने वाला है। कोई ब्लॉग इंटरटेनमेंट वाला है नहीं, आज का शॉर्ट ब्लॉग बना रहे हैं। आज का ब्लॉग जो है आप भी जान करके बहुत उदास होंगे, क्योंकि आज का ब्लॉग जो भी है कोई खुशी वाला नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं कटिहार अररिया में, जहाँ रहते हैं वहाँ पर रूम के सामने ही आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। आज हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे जा करके। चलिए बने रहिए वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना डेंजर तरह से एक्सीडेंट हुआ है। टेम्पू का पूरा सामने का बर्नर पटक गया है। इसी में तीन लोग बैठे थे, जिसमें से एक घायल है और दो लोग जस्ट वहीं पे, मतलब उन लोग का डेथ हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना रोड पे भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे जो ट्रक वाला है, पूरा ट्रक वाले को घेर लिए हैं यहाँ के पब्लिक। और जो ट्रक ड्राइवर था वो एक्सीडेंट करके और इसी भीड़ में उतर करके, पता नहीं किसी को पता भी नहीं चला कब वो यहाँ से निकल के भाग गया है। वो यहाँ से भाग के निकल चुका है। यहाँ पे देखिए कितना पूरा, मतलब इधर का गांव का पूरा भीड़ लगा है। गाँव की पूरी औरतें मर्द पूरा देख रहे हैं। देख सकते हैं कितना खतरनाक एक्सीडेंट किया है। बेचारा कबाड़ी वाला था, कबाड़ी अपना ले करके जा रहा था। देख सकते हैं कितना डेंजर तरह से हुआ है। देखिए पूरा अपना कबाड़ी बटोर करके लेके जा रहा था। पूरा इधर भीड़ लगा हुआ है देखने के लिए। और जो एक ट्रक एक्सीडेंट किया है, ये देखिए इसके जो सामने वाला भी बर्नर पूरा पचक गया है। और यहाँ पे पूरा प्रशासन भी आ गया है। देखिए पूरा लोग घेर रहे हैं, ड्राइवर भाग गया है ना। तो यहाँ पे जो जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाना जानता है, ट्रक चलाना जानता है, वो जा करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर ट्रक जो है वो स्टार्ट हो नहीं रही है। जो एक्सीडेंट किया है ना, शायद इंजन उंजन में कोई प्रॉब्लम हो गया। पूरा रोड जाम हो गया है, यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर तक जाम हो गया है। देखिए एक एक करके, ये देखिए पूरा ट्रक पूरा रास्ता जाम हो गया है। देख सकते हैं आप, कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर तक का रास्ता ऐसे ही जाम है। देख सकते हैं पूरा ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी है, ये घंटा से खड़ी है, मगर इन लोगों का जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। भाई क्या ही बताए यार, एक कबाड़ी वाले गरीब आदमी को एक्सीडेंट हो गया, ये आज क्या बीतेगा उसके घर पे, आप सोचिए।